पिताजी, ये लीजिए पिताजी, कल सुबह की गाड़ी से मैं दिल्ली चला जाऊंगा, इसे संभाल के रखिए। जा भोला, हो गया। ठीक है बेटा, तुम सुबह निकल पड़ो, ये नेकलेस दिल्ली में रामदास चौकसी को दे देना। 40,000 रुपए उसने पहले दे रखे हैं, बाकी के 20,000 तुम लेते आना, मेरी उससे बातचीत हो गई है। वैसे तो मैं ही चला जाता, लेकिन इस कमबख्त जोड़ों के दर्द ने मुझे निकम्मा बना रखा है। नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगा। तो ठीक है, ये बहू को दे देना और कहना इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाकर सी देगी, हैं? किसी को शक नहीं होगा, फिर अलमारी में रख देना। मगर अलमारी की चाबी तो माँ तीरथ पर ले गई। तो फिर मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा, कल सुबह तक की तो बात है, जाओ। जी। उफ, कितना सुंदर है, मुझे भी ऐसे ही बनवा दो ना। तुम्हारे पास तो काफी गहने हैं, और कितने चाहिए? ऐसा एक भी नहीं है, मुझे बनवा दो ना। अच्छा, पहले एक काम करो, इसे एक कपड़े में डालकर सी दो, कल सुबह इसे मुझे लेकर दिल्ली जाना है। दिल्ली जा रहे हो? मैं भी चलूंगी। मैं सिर्फ एक दिन रहकर वापस आ जाऊंगा। अरे कहाँ चल पड़ी? इस पर कपड़ा नहीं चढ़ाना। इधर आओ, बैठो। तुम्हें ऐसा नेकलेस चाहिए? बनवा दोगे? तुम्हें कभी किसी चीज के लिए ना कहा है? और माँ को वापस आ जाने दो, फिर तुम्हें दिल्ली भी घुमा लाएंगे, खुश? अरे सुनो, फिर चल दी, मैं रात को देर से आऊंगा, 11 बज जाएंगे, मेरा खाना रख देना, क्लब में ब्रिज ड्राइव चल रहा है। रोज ही तो देर से आते हो। ओफो, किस बात की जल्दी है तुम्हें, सिलाई करके केस पिताजी को दे देना। नहीं तो क्या, मैं रख लूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। वो मणि है या क्लब गया? बस निकलने वाले हैं। अच्छा, पिताजी क्या कर रहे हैं? अंदर गए हैं। वो नेकलेस उन्हें दे दिया? हाँ, उसी को रखने अंदर गए हैं। मैं क्लब जा रहा हूं, जल्दी आ जाना।
आज खाना बहुत अच्छा बना है बहू, जाओ तुम भी खा लो। मणि बहुत देर से आएगा। जी आज ज्यादा देर होगी। पता नहीं क्या रखा है इस क्लब में। जाओ जाओ बेटी जाओ, 9 तो बज गए होंगे। 9:30 बजे हैं। ठीक है, तुम जाके भोला को भेज दो, जाओ। ठीक है जी। घर के आगे एक आदमी खड़ा था, देखा तुमने? हाँ देखा, ऐसा लगा हमारे मकान में ही घुसा है। फिर देखा तुम आ रहे हो, मुझे लगा तुमको देखकर अंदर घुस गया। इंस्पेक्टर साहब को खबर दो, थाने में नहीं है तो घर पर टेलीफोन करो। जी अभी करता हूं। हेलो जी, मैं अजीत बोल रहा हूँ जी। वो बाथरूम में थोड़ा वक्त लगेगा, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आपकी दुकान से नेकलेस की चोरी हो गई है। दुकान से नहीं, घर से। आप अजीत है ना, ब्योमकेश बाबू के मित्र? वो जो नेकलेस चोरी हुआ है उसकी कीमत 60,000 रुपये है, पता नहीं कैसे गायब हो गया। आज सुबह ही मेरा बेटा उसे लेके दिल्ली जाने वाला था। हाँ हाँ हाँ, पुलिस को खबर दी थी, वो रात को आए भी थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्योमकेश बाबू इसकी छानबीन खुद करें। देखिए मैं गठिया का मरीज हूँ, ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता, इसलिए ब्योमकेश बाबू अगर आ जाएं तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, पूछने पाछने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें कहिए ज़रूर आएँ, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गाड़ी आ रही है, गठिया के मरीज को देखने जाना है।
कठिया का मरीज, तो मैं क्या करूं उसमें? अरे उनके यहाँ एक कीमती हार की चोरी हो गई है। अच्छा, आइए आइए, प्लीज कम। पिताजी, ब्योमकेश बाबू। नमस्ते। आइए 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 ब्योमकेश बाबू, बैठिए। मैं तो सब तरफ से लाचार हो गया हूँ, अब आप आ गए हैं तो जान में जान आई। पैरों में गठिया लगता है? अरे पूछिए मत, वैसे तो ठीक ही हूँ, बस ये गठिया ने मार के रख दिया है। बचपन में मैं फुटबॉल खेला करता था, उस वक्त ये सीधे पैर का अंगूठा चटक गया था। अब तो ये हाल है कि आसमान में कोई रुमाल के साइज का बादल भी आ जाए तो इसमें टीस उठने लगती है। अरे बस बस, रहने दो, ठीक है जाओ चाय ले आओ। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, बस अभी अभी पीकर आ रहा हूं। मेरी बहू तो बहुत भली है, मेरी पत्नी तो छोटे बेटे के साथ तीर्थ करने गई है, अब तो घर का सारा काम यही संभालती है। हाँ तो काम की बात पर आते हैं। जरूर। कल रात को हमारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ था वही हो गया। हमारे घर से हीरे का नेकलेस गायब हो गया। गायब हो गया? हमारी 5 ज्वेलरी की दुकानें हैं, कोई 30-40 लाख का लेन देन होता है। हमारे बहुत सारे पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी हैं, और फिर सारे हिंदुस्तान में हमारे कई ग्राहक हैं। अब पिछले महीने वो दिल्ली का एक रामदास चौकसी नाम का ज्वेलर है, उसने हमें एक 60,000 रुपये के नेकलेस का ऑर्डर दिया। नेकलेस तैयार होने के बाद हमने अपनी बड़ी दुकान की तिजोरी में रखा। मेरी इच्छा थी कि वो नेकलेस लेके मैं खुद ही दिल्ली जाता, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये गठिया का दर्द इतना बढ़ गया था कि मेरा जाना मुमकिन नहीं हुआ। क्या करता, और फिर किसी कर्मचारी के हाथ भेजने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आखिर अपने बेटे मनी मैं को भेजने का फैसला किया, तो कल रात मनी मैं दुकान से जाकर वो नेकलेस घर ले आया। आज सुबह उसके जाने की बात थी, अब गलती मुझसे हुई कि इतना कीमती नेकलेस वो मैंने टेबल की ड्रॉर में रख दिया। अब जो हमारे घर की व्यवस्था है उसमें कोई डर या शक की गुंजाइश नहीं थी, और फिर सारे नौकर नीचे रहते हैं, बिना बुलाए कोई आता जाता नहीं, और जब यहाँ कोई आता नहीं है तो हमारे घर से ये गहना चोरी हो जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। फिर क्या? मणिमय बाबू, जब आप क्लब से लौट रहे थे तो आपने लैंप पोस्ट के पास में एक ही आदमी को देखा या किसी और को भी? वहां एक ही था, और किसी को तो मैंने वहां नहीं देखा। और आपने? मैंने भी एक ही आदमी को देखा, मैं सारे वक्त नीचे ही देख रही थी, कोई और होता तो जरूर नजर आता। अच्छा रसमय बाबू, ये जो नेकलेस की चोरी हो गई उसके बाद आपने क्या किया? क्या करते, हमने पुलिस को इत्तला दी। ये मनी जो है नीचे दरवाजे के पास खड़ा रहा कि कोई बाहर ना जा सके। वो थाने के बड़े दारोगा वो अमरेश बाबू, उन्हें मैं जानता हूँ। वो टेलीफोन करने के फौरन बाद 3 सिपाही लेकर यहाँ आ गए। अमरेश बाबू ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला, सारे नौकरों के बयान भी लिए। तो फिर सुबह अमरेश बाबू चले गए, नौकरों से कह गए कि बाहर कोई नहीं जाएगा। सुबह मेरी परेशानी तो और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई बेचैनी मुझे। अब पुलिस जो भी कर सकती थी उन्होंने किया, उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन
मेरा मन नहीं माना। मैंने आपका नाम सुना था, आपको टेलीफोन कर दिया। अब ये हार तो आप ही दिला सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि कल सारा दिन, कल सारी रात इस कमरे में और पास वाले कमरे में कौन कौन आया था? मेरे अलावा मेरा बेटा, बहू और नौकर भोला। और कोई नहीं? और तो कोई नहीं। अच्छा भोला तो यही होगा ना? जी हाँ। अच्छा तो जरा उसे बुलाइए, दो चार सवाल करके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, ये कुछ पूछेंगे तुमसे। ब्योमकेश बाबू, अगर मेरी जरूरत ना हो तो मैं ऊपर जाऊं? हाँ हाँ जरूर जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? भोलानाथ दास। कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर। अच्छा, और कलकत्ता में कितने दिनों से हो? यही कोई 15 साल हो गए। हाँ, और यहाँ इस घर में कितनी देर से काम? यहाँ भी 3 साल हो गए। अच्छा, शादीशुदा हो? शादी की थी, औरत गुजर गई। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? यही घर का काम, साफ सफाई, मालिश। भाई बहन है? 3 भाई 2 बहन। हाँ, सबसे बड़े हो तुम? जी नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो, अच्छा। तो ये दो भाई आपके कहाँ हैं? यही कलकत्ता में। अच्छा, क्या काम करते हैं? सबसे बड़ा पोस्टमैन है और उससे छोटा कॉरपोरेशन में जमादार है। कहाँ रहते हैं ये भाई आपके? मछुआ बाजार में, दोनों इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, तुम उनके साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। और भाइयों से भाईचारा है या? कोई अनबन नहीं है, दोनों भाई पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मैं ही अनपढ़ हूँ। हमें शक है कि हीरे का नेकलेस तुम ही ने चुराया। हीरे का नेकलेस मैंने देखा तक नहीं। तो कल जब मनीमय बाबू ने रसमय बाबू को नेकलेस का बक्सा दिया, क्या तुम रसमय बाबू के पैरों की मालिश नहीं कर रहे थे? छोटे बाबू ने बक्सा दिया था, लेकिन उसमें क्या था मुझे नहीं मालूम। तुम तो यहाँ इतने दिनों से काम कर रहे हो, कुछ अंदाजा तो होगा क्या है अंदर? जी नहीं। अच्छा, कल रात खाने के बाद तुम उनके पैर दबाने गए थे? जी, रोज रात को दबाता हूँ। फिर कितनी देर तक दबाते रहे पैर? घड़ी नहीं देखी, अंदाजन 11 बजे तक। उसके बाद जब तुम नीचे गए तो बाकी जो नौकर हैं वो क्या जगे हुए थे? सब सो गए थे। तुमने क्या किया, जाकर सो गए? जी। करीब आधी रात को आपके मकान के साथ जो लैंप पोस्ट लगा हुआ है उसके पास एक आदमी खड़ा था, देखा उसे? कौन आदमी? रात को तो मैं ही बाहर गया था। तुम गए थे? जी। क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खुली हवा में बाहर चला गया। सोचा थोड़ी देर बाहर रहूंगा तो नींद आ जाएगी। तो बाहर फुटपाथ पर कितनी देर तक घूमते रहे? यही कोई 4-5 मिनट। छोटे सरकार क्लब गए हुए थे, मुझे नहीं मालूम था। जब देखा वो वापस आ रहे हैं तो जल्दी से अंदर चला गया। बाहर का दरवाजा बंद किया था? जी नहीं, छोटे सरकार आ रहे थे इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। अच्छा, रात के अलावा किसी वक्त घर से बाहर गए थे? एक बार गया था। क्यों? गमछा खरीदने, छोटी मालकिन से पूछकर गया था। तो कितनी देर के लिए बाहर गए थे? करीब 1 घंटा। क्यों, गमछा खरीदने के लिए 1 घंटा लगता है? नहीं नहीं, गमछा खरीद कर कुछ इधर उधर घूमता रहा। किसी से मुलाकात की? जी नहीं। अच्छा, आपके भाइयों के अलावा आपका और कोई दोस्त या साथी है? जान पहचान वाले 2-4 जन हैं, बाकी दोस्त कोई नहीं। ठीक है, जाओ। जी। क्या लगता है? लग तो रहा है सब सच कह रहा है। मतलब भोला का काम नहीं है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो यही पूछने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इसकी बाहर किसी से साठगांठ तो नहीं है, वरना नेकलेस गायब कहाँ हो सकता है। अच्छा, आपकी बहू और मनीमय बाबू से कुछ पूछना है, लेकिन अकेले में। नमस्कार, नमस्कार, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। अरे आप बैठे ना, बैठे। धन्यवाद, ये हैं इंस्पेक्टर सानिया। अच्छा अच्छा, और इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। आप भी कैसी बातें करते हैं, ब्योमकेश बख्शी का नाम किसने नहीं सुना। गुलाब कॉलोनी के चिड़ियाघर का केस भी तो आप ही ने सुलझाया था। इंस्पेक्टर बराट आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। हाँ, आपको याद है ना, उन्होंने मेरी काफी मदद की थी, काफी तेज अफसर है।
आप भी इस नेकलेस की चोरी में शामिल हैं क्या? जी नेकलेस की चोरी में नहीं, नेकलेस की चोरी के मामले में। वही वही वही, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंस्पेक्टर बराट कह रहा था कि आपको नाम की परवाह बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ सत्य की खोज करते हैं। देखिए सन्याल बाबू, जिसके पास जो चीज है उसे उसकी क्या जरूरत है। अगर इस केस में शोहरत की गुंजाइश है तो उसके हकदार आप हैं। मुझे तो बस अपनी मजूरी मिल जाए, मैं उसी में खुश हूँ। मजूरी ना कहिए ब्योमकेश बाबू, ये तो आपका सम्मान पत्र है। नेकलेस अगर मिल जाए तो आपके सम्मान का मैं जरूर ख्याल रखूंगा। अरे मैं तो यूं ही कह रहा था, कोई खास बात है इंस्पेक्टर? अरे बैठिए तो सही। भोला के भाइयों के घर की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने तो घर का कोना कोना छान मारा लेकिन सब बेकार। आपको क्या लगता है भोला इस चोरी में शामिल है? कुछ कह नहीं सकता, भोला हो या कोई और, लेकिन असल मुद्दा यह है कि नेकलेस गया कहां, कहीं तो मिलना चाहिए। आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपने घर की पूरी तलाशी ली? रात को तो पूरा घर छान मारा। मनी मैं और उसकी पत्नी का कमरा देखा? इन्हीं का तो नेकलेस है, फिर इनका कमरा किसने? नहीं बस ये पूछ रहा था, मैं उनसे पूछताछ करता हूँ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो आपसे कहूँ, तब आप उनके कमरे की तलाशी ले लेना। देखिए बुरा मत मानिएगा, कभी कभी केस को सुलझाने के लिए हमें कई अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। ये काम भी कुछ इस तरह का ही है। बस कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। आपकी शादी को कितने दिन हुए? एक साल से ज्यादा। उसके पहले आप कहाँ रहती थी? राजा राजबल्लभ स्ट्रीट। आप कितने भाई बहन हैं? चार बहनें, दो भाई। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, एक बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ। अच्छा, और वो कहाँ रहती हैं? उधर ही श्याम बाजार में। उनके पति जो हैं, आपको मालूम है वो क्या काम करते हैं? स्कूल मास्टर हैं। स्कूल मास्टर हैं। और आपके पिता, वो क्या काम करते हैं? वो भी स्कूल मास्टर हैं। आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरा मतलब है कि रिश्ता कौन लाया था? हमारे पुरोहित जी। तो आपकी शादी इतने बड़े घर में हुई है, आपके घर वाले तो बहुत खुश होंगे। जी। आप अपने पिताजी को मिलने मतलब के मायके जाती हैं? ती रहती हूँ। और आपके घर वाले अक्सर आपसे मिलने आते होंगे? कभी कभी। देखिए बुरा मत मानिए, अगर एक बात पूछूं तो, आप क्या अपने घर रुपए पैसे भेजकर मदद करती हैं? खैर कोई बात नहीं, आपने वो नेकलेस देखा था? हाँ देखा था, मैंने ही उसके केस के ऊपर कवर चढ़ाया था। क्या वो नेकलेस बहुत सुंदर था? जी हाँ बहुत। आपके पास वैसा नेकलेस है? नहीं। आपके पास तो काफी गहने होंगे? हाँ काफी हैं। और लगभग सभी पतियां ससुराल वालों के दिए गए हुए होंगे? जी। आप नहीं चाहती कि आपके पास भी वैसा ही नेकलेस हो? कल रात वो नेकलेस दफ्तर की टेबल के दराज में रखा गया था, क्या आपको वो मालूम था? मालूम था। रात को आप अपने ससुर के कमरे में गई थी? जी, खाने के बाद उन्हें उनके कमरे में मैं दूध देने गई थी। तभी वहां कोई था? कोई नहीं था। फिर उसके बाद? मैं चली गई। कहां? रसोई घर। फिर क्या वापस गई थी वहां? नहीं। अगर मैं कहूं कि रात को आपने वहां से नेकलेस हटाया तो? देखिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताइए कि चोरी के बाद आप
अपने पिता के घर राजा राजबल्लभ स्ट्रीट गई थी? गई थी एक घंटे के लिए। आपको मालूम है अब वो नेकलेस कहाँ है? अच्छा ठीक है, आप जाइए, मनी में बाबू को भेज दीजिए। मनी में बाबू, आपसे बस कुछ ही सवाल करने हैं। पूछिए। अच्छा ये बताइए कि आपने एक साधारण घर की लड़की से शादी क्यों की? पिताजी ने शादी कराई थी, ये सवाल आप उनसे ही पूछिए। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? जी हाँ। तो आपने तो उन्हें काफी गहने दिए होंगे। जी क्यों, मेरी मर्जी? अच्छा ये जो नेकलेस चोरी हो गया है, आपकी पत्नी ने इसे देखा है और उसे काफी पसंद भी होगा, क्या उन्होंने कभी ऐसा चाहा कि उनके पास भी इस तरह का नेकलेस होना चाहिए? क्यों, सक पका क्यों गए? उसने कहा था कि उसे वो नेकलेस चाहिए? जी कहा था, मैंने टाल दिया, फिर मैंने कहा ठीक है बनवा दूंगा। तो फिर आप वो नेकलेस बनवा क्यों नहीं सकते? जी ये बात नहीं है, वो नेकलेस काफी कीमती था और मैंने जो उसे गहने दिए हैं वो काफी सस्ते हैं। तो इस तरह का कीमती नेकलेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? मुझे पिताजी से पूछना होगा, उनका कहना है हम जौहरी हैं, हम गहने बनाते हैं, घर में रखते नहीं। क्या आपको मालूम था कि वो नेकलेस टेबल की दराज में रखी थी? जी मालूम था। तो उस रात आप क्लब से सीधा अपने घर जब आ रहे थे, आपने देखा कि लैंप पोस्ट के पास एक आदमी खड़ा है, वो आदमी आपके घर के अंदर जाता है, आपको शक होता है, फौरन दफ्तर में जाते हैं और देखते हैं कि वो टेबल की दराज के अंदर नेकलेस नहीं था। हाँ वहां नहीं था। नहीं था कि वही था? ये क्या कह रहे हैं आप? आगे क्यों, किस पर शक? तीनों पर, मणिमय बाबू, उसकी पत्नी उमा और ये नौकर ओला। घर की बहू पर भी? मामूली घर की लड़की है, अक्सर अपने पिता के यहाँ आती जाती है, शायद रुपए पैसों से भी मदद करती होगी, फिर औरत है, गहनों की तरफ आकर्षण तो स्वाभाविक है ना, और फिर गहने इकट्ठे करने का शौक भी है उसे। बातों से ये भी पता चला उसके पति से, कहा उसने कि उसे बिल्कुल वैसा ही नेकलेस चाहिए। और मणिमय? मणिमय भाई अमीर घर का लड़का है, साधारण घर की पत्नी पर बड़प्पन जताने का मौका नहीं चूकता, जो कुछ भी पत्नी ने चाहा उसकी मुराद पूरी की। लेकिन यह मामला 60,000 का है, 10 या 15,000 की बात होती तो ठीक था, लेकिन 60,000 उसकी हैसियत से बाहर है। और फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे बिल्कुल वैसा ही नेकलेस चाहिए, तो अच्छा ये जनाब तो क्लब रोज जाते हैं, जरूर क्लब में जुआ चलता होगा, कोई भी रईस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई ना कोई बुरी आदत जरूर लगी रहती है, हो सकता है जुए में पैसे हार गया हो। क्लब तो जाना होगा पता करने के लिए जुए में पैसे हारा है कि नहीं। फिर रश्मि बाबू का मकान भी मैंने बाहर से अच्छी तरह नहीं देखा।
लगता है उमा की बहन और उसका पति है। हाँ। हो सकता है कि चोरी की खबर सुनते ही शायद उसे मिलने आए हों। हो सकता है। चलो देख लिया। कहाँ वो पुलिस स्टेशन जाना है? अरे पुलिस स्टेशन नहीं, मणिमय के क्लब हाउस फिर से चलते हैं। चलो। क्या यार, दो दिन से लगातार था ना। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही चला आया आपसे मिलने। आप कुछ देर पहले भी तो यहाँ क्लब आए थे, ये जानने के लिए कि मैं जुआ खेलता हूँ कि नहीं। क्यों? रूटीन इंक्वायरी थी। कुछ पता चला? कुछ कुछ। यही ना कि मैं दो दिन से जुए में हार रहा हूँ। नहीं जुआ नहीं, नेकलेस। क्या, नेकलेस का पता चल गया? समझ लो पता चल गया। तो चलिए ना हमारे घर, पिताजी को ये खुशखबरी दीजिए, वो ये खबर सुनने के लिए बेचैन बैठे। नहीं नहीं इस वक्त नहीं, मैं तो बस यही पूछने आया था कि आपके मकान के साथ जो वो पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है वो कितने दिनों से है? एक जमाने से, पिताजी ने ही उसे लगवाया था हमारी सुविधा के लिए। हाँ अभी अभी देखा कि आपकी पत्नी उसमें चिट्ठी डालकर गई है। मैंने ही वो चिट्ठी लिखी थी, इस चोरी के बारे में लिखना था, माँ को लिखा है कि जल्द वापस आ जाए। तो फिर आपने वो चिट्ठी खुद क्यों नहीं डाली? उमा ने भी दो लाइनें लिखनी थी और फिर क्लब का वक्त हो गया तो हम यहाँ चले आए। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रूटीन इंक्वायरी। चलिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह 6 बजे चाय, कहाँ की ट्रेन पकड़नी है? जल्दी। अरे बैठ कर तो पियो ना। तुम्हारे पतिदेव कछुआ हैं। इतने जानवरों के रहते कछुआ क्यों? क्योंकि कछुआ कुछ बोलता ही नहीं। सच इतना गुस्सा आता है। हम अकल से चलो कुछ कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हमारी उत्सुकता भी कम है। चलो चलो कहीं देर ना हो जाए। लेकिन कहाँ जा रहे हो? रसमय बाबू को यहाँ जाना है। अरे वहाँ इतनी सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है, वो लोग अभी सो रहे होंगे। ओहो उनसे थोड़ी मिलना है, चलो ना। अच्छा चाहिए? तुम भूतनाथ दास हो, भोला के बड़े भाई? आप लोग कौन हैं? अच्छा हम कौन हैं मालूम नहीं? ए भोला ये क्या सत्यानाश किया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल भेज देंगे। कहाँ चोरी का माल निकाल कर? हुजूर हम वो सब कुछ ले आता जो उसके अंदर ही है। निकालो बाहर उसे। परसों रात से आज सवेरे तक वो नेकलेस इसी पोस्ट बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ। ये लीजिए हुजूर, भगवान जानता है इसके अंदर क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप। व्योमकेश बाबू क्या बात है, नेकलेस मिल गया? अब मेरी जान में जान आई। चलिए अंदर चलिए, ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। ये लीजिए नेकलेस, खोलकर देख लीजिए। पकड़ के रखो इसे, हम अभी आते हैं। चलिए। किला फतह करके आ गए, अब फर्स्ट क्लास चाय पिला दो। बिना वजह झक मारी थी, अगर दरवाजे के पास पोस्ट बॉक्स मुझे पहले दिख जाता तो 5 मिनट के अंदर इस नेकलेस कांड का समाधान हो जाता। कलकत्ता में ये दीवारों से लगे हुए हजारों पोस्ट बॉक्स लेकिन झट से नजर नहीं आते हैं। अभी इन तीनों में से एक या दो ने चोरी की है ये तो मुझे शुरू से ही मालूम था। कैसे? देखो मान लो कि ये साजिश है मणिमय बाबू और उसकी पत्नी उमा की। मणिमय बाबू रात को 11 बजे घर लौटते हैं, टेबल की दराज से नेकलेस निकालकर अपनी पत्नी को देते हैं और क्लब वापस लौट जाते हैं। फिर 12 बजे वापस घर लौटते हैं, नामुमकिन तो नहीं है ना। शुरू शुरू में मैं यही सोच रहा था और मैंने इंस्पेक्टर सन्याल से कहा भी था कि जरूरत पड़ने पर आप उनके कमरे की तलाशी ले लीजिए। अगर ऐसी बात होती तो क्या भोला को पता नहीं चलता? है? जरूर चलता, क्योंकि वो भी इसी चक्कर में था। और अगर उसे इस बात का पता होता तो चुप क्यों रहता? देख रही हूँ
कछुए के मुंह से फुलझड़ी छूट रही है। अच्छा अच्छा, बैठो तुम भी सुनो। कह रहे तो कह डालो, लेकिन अभी मैं काम में लगी हूँ, बाद में सुनूंगी। क्या कह रहा था? हाँ, उमा और मणिमय पर शक जरूर था। बात ये थी कि ठोस मकसद नहीं मिल रहा था। उमा को नेकलेस का लालच जरूर था, और हो सकता है मणिमय को भी पैसों की जरूरत हो, लेकिन उनकी घरेलू जिंदगी जो देखी उससे मुझे ऐसा नहीं लगा कि चोरी की जरूरत हो सकती है। जो चीज मांग कर मिल सकती है उसे कोई चोरी क्यों करेगा। अब रहा भोला, मौका और मकसद दोनों से उसे फायदा था। घर में कीमती नेकलेस है और घर की मालकिन अलमारी की चाबी लेकर तीर्थयात्रा पर गई हुई है। लेकिन बात यहां पे अटकती है कि अगर भोला ने ये चोरी की तो फिर नेकलेस गया कहां? पुलिस ने तो एक घंटे के अंदर सारी घर की तलाशी ले ली थी, यहां तक कि उसके भाई के घर की भी तलाशी ले ली थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उस दिन जब मैंने उमा को घर के साथ लगे हुए पोस्ट बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालते हुए देखा तो बात बिजली की तरह कौंध गई कि हो ना हो ये काम भोला का ही है। भोला तो याद है ना, गमछे के बहाने घर से बाहर गया था। असल में वो अपने पोस्टमैन भाई भूतनाथ से मिला था। उसने भूतनाथ से कहा कि कल सवेरे जब वो डाक इकट्ठा करेगा तो साथ में जो चिट्ठियां मिलेंगी उसे, उसके साथ एक पैकेट भी होगा, उसे वहीं रहने दे। पुलिस का हंगामा जब खत्म हो जाएगा तो नेकलेस घर ले जाएगा। अब आम तौर पर कोई इस तरह का पैकेट या बक्सा पोस्ट बॉक्स में तो नहीं ना डालता, तो इसीलिए उस पैकेट को पहचानना तो मामूली काम था। लेकिन भूतनाथ की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा माल मिलेगा, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। रात को 11:30 बजे भोला ने उस नेकलेस के बक्से को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जब मेरे मन में यह बात समझ आई, मैंने सारी कहानी जाके इंस्पेक्टर सन्याल को बता दी, और भूतनाथ के बारे में पता लगाना तो मामूली काम था, बस आसामी को रंगे हाथ पकड़ना था, वो भी आज हो गया। क्यों? नमस्ते। अरे यार। नमस्ते ब्योमकेश बाबू। आइए आइए मणिमय बाबू। पिताजी ने भेजा है। उन्होंने ये आपके लिए भेजा है, वो खुद आते लेकिन। अरे ऐसे होनहार पुत्र के होते हुए वो इस उम्र में क्यों आने लगे भला? नेकलेस पाकर खुश तो हुए? ये कोई पूछने की बात है? बहुत खुश। उनका कहना है कि ये साधारण सा तोहफा आपकी काबिलियत के सामने कुछ भी नहीं, ये आप कबूल करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। ये तो, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी अंगूठी है, इसे मैं कबूल करता हूँ। नमस्ते। अरे आप कहाँ चले, चाय तो पीकर जाइए। जी नहीं, मुझे जाना है, मैं आज दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ, उमा भी साथ जा रही है। अच्छा, फिर कभी मिलेंगे। अच्छा जरूर। नमस्ते।